हाय, मैं हूँ आपकी दोस्त बरखा और ये है बास्केटबॉल। आप जानते हैं कि ये बास्केटबॉल है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि मुझे ये बॉल क्यों पसंद है? क्योंकि बॉल या कोई भी गोल वस्तु को आप कहीं से भी देखो, वो गोल ही दिखती है। इसे ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से या फिर बाएं से देखो, ये एक जैसी ही दिखती है। कैच। लेकिन क्या सभी वस्तुएं इसी प्रकार एक जैसी दिखेंगी? क्या लगता है आपको, हाँ या ना? देखते हैं आपका अनुमान कितना सही है। लीजिए, चायदानी आ गई, कीतली। इस चायदानी को अगर मैं सामने से देखूं तो कुछ ऐसी दिखती है, लेकिन अगर मैं इसे दाएं से, बाएं से या फिर ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसी दिखेगी। चलिए अब हम इसका चित्र बनाकर देखते हैं। अब हम इस चायदानी को दाएं तरफ से देखते हैं। चायदानी तो एक ही है, लेकिन ये चित्र पहले के चित्र से बिल्कुल अलग है ना? यकीनन आपको फर्क समझ में आ गया होगा। चायदानी की बात करके अब मुझे भी चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। ये लीजिए, चाय का प्याला आ गया। जब मैं इस प्याले को सामने से देखती हूँ तो कुछ इस तरह दिखता है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर से देखूं तो कुछ ऐसा दिखता है। ये टोपी बड़ी मजेदार है ना? इसे जहां से देखो ये अलग ही दिखती है, ऊपर से, नीचे से, दाएं से या फिर बाएं से, बिल्कुल अलग दिखती है, मानो जैसे इसमें कोई जादू भरा है। चलिए अब हम साइकिल को देखते हैं। किसी भी बड़ी वस्तु का सही ऊपरी नजरिया देखना हो तो हमें उसे थोड़ा अंतर से देखना चाहिए और बिल्कुल ऊपर से, जैसे कि ये साइकिल का ऊपरी नजरिया। अगर मैं इसे अपनी छत से देखती तो ये कुछ इस प्रकार दिखती। अब हम साइकिल को सामने से देखते हैं और अब दाएं तरफ से। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। इस गाड़ी को देखें। अगर मैं इसे ऊपर से देखूं तो ये कुछ ऐसी दिखेगी, अगर मैं इसे सामने से, पीछे से, दाएं से या फिर बाएं से देखूं तो कुछ ऐसी दिखेगी। तो आपने देखा कि इन वस्तुओं को अगर आप अलग अलग ओर से देखें तो ये अलग दिखती है। इस अलग ओर से देखने के पहलू को हम दृष्टिकोण कहते हैं। कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें आपको अलग दृष्टिकोण से देखना है। वस्तुएं फाइल्स में दी गई हैं। पहले इन फाइल्स को डाउनलोड करें, फिर उन्हें डबल क्लिक करें। क्लिक करने पर आप उन्हें वेब ब्राउजर में खोल पाएंगे। अब उन्हें किसी भी दिशा में घुमा लीजिए और अब आप उनका चित्र बना सकते हैं।